हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी मैथ। आज हम क्वान का एक सेक्शन बोर्ड एंड स्ट्रीम कवर करेंगे, कम्प्लीटली कवर करेंगे। इसलिए गाइस, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस के शॉर्टकट्स कैसे करने हैं, उसमें कैसे ट्रिक्स अप्लाई करना है आपको, और सारे पैटर्न्स यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी। ओके, तो आप ये कंटिन्यू रखिएगा और एंड तक पढ़ते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में प्लीज करिए, मैं उसके आंसर्स आपको जरूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे न्यू अपडेट्स मिलते रहे। बोर्ड एंड स्ट्रीम में हमें कुछ टर्म्स पढ़ने की जरूरत है। पहले तो हमें क्या जानना है, अपस्ट्रीम। सपोज मैंने अपस्ट्रीम को कंसिडर किया है वाई, ओके, डाउनस्ट्रीम को कंसिडर किया है मैंने एक्स। स्पीड ऑफ अ बोट मैं यहाँ पे लेके चलूंगी एस ऑफ बी, स्पीड ऑफ अ बोट। स्पीड ऑफ अ वॉटर, करंट, स्ट्रीम, कुछ भी बोलते हैं इसे, तो हम करंट लेके चल रहे हैं, स्पीड ऑफ अ करंट इज सी। ओके, टाइम यहाँ पे मैं लूंगी, टाइम इज कंसिडर्ड एज टी एंड डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एट डी। ओके, तो अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, हमें ये तो पता है कि स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वॉटर, मतलब एक स्पीड रहेगा जो कि बोट की स्पीड रहेगी, स्टिल वाटर दैट मीन्स रुके हुए पानी में। ओके, स्पीड ऑफ अ करंट दैट मीन्स वाटर की स्पीड। ओके, तो यहाँ वाले डायग्राम में आते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीड ऑफ अ बोट एंड स्पीड ऑफ अ वाटर एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। टाइम एंड डिस्टेंस तो कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं हमें, तो हम अब देखते हैं आगे की क्या क्या है। ओके, चलिए, यहाँ पे आपको बोट दिख रहा है। ओके, अब अगर बोट का डायरेक्शन इस तरफ है, इस साइड है बोट का डायरेक्शन, और वाटर का भी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, ये वाटर है। ओके, इसका डायरेक्शन भी अगर इस तरफ है तो हमें क्या होगा, लाइक अगर आप एक बाइसिकल राइड कर रहे हैं, ओके, आप एक साइकिल चला रहे हैं, दिस कैन बी लाइक दिस, अंडरस्टूड दैट। ओके, आप ये साइकिल चला रहे हैं, आपका डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, और हवा भी चल रही है इस तरफ से, तो आपको कम पेडल्स मारने पड़ते हैं, राइट, और अपने आप आगे बढ़ रहे होते हैं। मतलब आपकी स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर रहती है और हवा की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर रहती है, तो आप दोनों की स्पीड ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो है ना, तो क्या हो जाता है, x प्लस y हो जाता है स्पीड, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो हमारी साइकिल और स्पीड से चलती है। वही अगर मैं कंसिडर करूँ कि मेरे हवा का डायरेक्शन, एयर का डायरेक्शन इस तरफ है और हमारी साइकिल, हम इसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ओके, हमारी साइकिल का डायरेक्शन यही है, तो हवा अपोजिट आ रहा है और हमारी साइकिल इस तरफ जा रही है, तो हवा अपोज कर रहा है हमारे स्पीड को, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा स्पीड x है और हवा का स्पीड y है, तो दोनों में अपोज हो रहा है, लाइक दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये हवा को करते हुए, फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है साइकिल, और हवा भी अपनी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, तो इसमें स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम इसमें स्पीड क्या लिख लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं। ओके, माइनस कर लेते हैं दोनों के स्पीड को। इन द सेम मैनर इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, बोट और स्ट्रीम को भी देखते हैं। अभी साइकिल का एग्जाम्पल दिया है, जो भी ये साइकिल का एग्जाम्पल था उसमें क्या है कि जो सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। यहाँ पे स्ट्रीम नहीं था, यहाँ पे एयर था, लेकिन हम वही चीज को अप्लाई करेंगे किसमें, बोट एंड स्ट्रीम में। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम देखते हैं, अगर बोट की स्पीड, हमने क्या लिखा है, अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होगा, है ना, बोट की स्पीड मैंने क्या ले लिया, एस बी ले लिया, और वाटर की स्पीड मैंने क्या ले लिया, एस सी, स्पीड ऑफ अ करंट मैंने नीचे ही अभी मेंशन किया था, राइट, तो अब अगर मैं इसे देख रही हूँ तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी वाटर की स्पीड होगी वो तो रहेगी ही, और जो बोट की स्पीड होगी वो भी रहेगी ही, है ना, दोनों जब आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो एस बी प्लस एस सी हो जाएगा। ओके, इनकी स्पीड ऐड हो गई, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का एस बी प्लस एस सी हो जाएगा, क्लियर है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया। ओके, तो डाउनस्ट्रीम में हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू एस बी प्लस एस सी। आई गेस यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं इसे ये देखूं कि वाटर की स्पीड तो इस डायरेक्शन में है, राइट, वाटर की स्पीड इधर है और बोट की स्पीड इधर है, दोनों अपोज कर रहे हैं, जो भी अगर इसका स्पीड होगा, सपोज लेट से 10 किलोमीटर पर आवर से मेरी बोट चल रही है, ओके, और मेरा वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है,
तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो अपोज कर रहे हैं तो इसमें स्पीड क्या होती है, इसमें स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 10-5, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर से बोट एक्चुअली स्पीड से चलेगा। इसकी स्पीड, क्योंकि ये जो वाटर है ये अपोज कर रही है, तो बोट की स्पीड को क्या कर रही है, कम कर रही है, ओके, लेस कर रही है ना। तो फिर यहाँ पे ये हो गया, तो इसमें हम क्या लिखें, बोट की स्पीड कितनी है हमारे पास SB, वाटर की स्पीड कितनी है हमारे पास SC, दोनों अपोज कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस, तो स्पीड क्या हो जाएगी, SB माइनस SC। तो ये क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। हमने अपस्ट्रीम को क्या लिया है, वाई कंसिडर किया है, वाई कंसिडर किया है, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं SB माइनस SC। ये दो फॉर्मुलेज हो गए हमारे, SB इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एक्स प्लस वाई एंड SC इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एक्स माइनस वाई। ओके, अभी अगर आपको सिर्फ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड दे दे, ओके, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली कैसे निकालेंगे, राइट। तो फिर हमको देखना पड़ेगा, तो हम उसके अकॉर्डिंगली बोट की स्पीड और करंट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो गाइज, ये चार फॉर्मूला है जो आपको लर्न करने की जरूरत है, ये वाले। इसके बाद मैं और भी फॉर्मूलेज बताऊंगी जो कि ट्रिक के बेसिस पे काम करेंगे, ओके, तो हम वो भी कंटिन्यू रखेंगे। तो देखते हैं आगे, आगे हम इसी के बेसिस पे ना स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद हम टफ वाले में भी आएंगे और फिर ट्रिक भी लगाएंगे, ओके। चार फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, एक है एक्स जो कि डाउनस्ट्रीम है, SB प्लस SC लिखते हैं उसे, वाई जो कि अपस्ट्रीम है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज डाउनस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम, ओके। वाई को क्या लिखते हैं, SB माइनस SC लिखते हैं, और अगर SB निकालने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और अगर SC निकालने बोला जाए तो क्या होगा, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। एक्स वाई आपको पता है कि एक्स और वाई क्या है, अपस्ट्रीम का एंड डाउनस्ट्रीम का स्पीड, ओके, और SB क्या है, बोट का स्ट्रीम स्पीड, और SC क्या है, वाटर का स्पीड, ओके। तो मेनली ये चार फॉर्मूले से ही हम सारे आंसर्स ला सकते हैं, और ट्रिकी वाले फॉर्मूलेज मैं आपको आगे बताऊंगा। स्विमर कैन स्विम डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी है, डाउनस्ट्रीम मतलब हम किसे लेते हैं, एक्स को, तो एक्स कितना दिया हमारे पास, 14 किलोमीटर पर आवर, ओके, स्पीड दिया है डाउनस्ट्रीम का। एंड अपस्ट्रीम हम किसे लेते हैं, वाई को, 6 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, स्विमर की स्पीड कितनी होगी स्टिल वाटर में, और स्टिल वाटर के लिए हम अगर बोट कंसिडर करते हैं तो हम क्या लेते हैं, SB, तो हमें निकालना क्या है, SB की वैल्यू निकालनी है। अब इन चारों में से आप एक फॉर्मूला देखो जिससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी मिल रहे और SB भी रहे, तो अगर मैं देखूं तो ये वाला फॉर्मूला सूट करेगा, राइट। तो क्या होगा, SB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हमें एक्स और वाई पता है और SB निकालना है तो मिल जाएगा, ओके, तो पुट कर देते हैं, 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है, 14, वाई की वैल्यू कितनी है, 6, तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 20, 2 1s are 2 0s are 10s are, तो SB की वैल्यू कितनी आ गई, 10, SB कितना मिल जाएगा हमें, 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। ऑप्शन में है आंसर नंबर 1, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या बोल रहा है, अ मैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर, हमें यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का स्पीड नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, एंड अपस्ट्रीम का भी क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, मतलब डिस्टेंस गिवन है हमें। हमें पहले तो एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे हम लगाते हैं इसे, अ मैन स्विम डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम 18 किलोमीटर टेकिंग 3 आवर्स ईच, मतलब डाउनस्ट्रीम के लिए भी टाइम 3 आवर्स दिया और अपस्ट्रीम के लिए भी टाइम क्या दिया है, 3 आवर्स दिया है ना। तो पहले डाउनस्ट्रीम निकाल लेते हैं, डाउनस्ट्रीम का स्पीड, हम ये स्पीड ही लिखते हैं, x इक्वल्स टू स्पीड ऑफ अ डाउनस्ट्रीम, ओके, तो x ले लिया हमने, क्या दिया है, डिस्टेंस, स्पीड ऑफ x इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना दिया है, 30 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है, 3 आवर्स। हम अगर इसे कैंसिल आउट कर लें तो कितना आ जाएगा, 3 1s and 3 10s are 30, सो 10 किलोमीटर पर आवर किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारे पास डाउनस्ट्रीम, ओके, डाउनस्ट्रीम का स्पीड मिल गया हमें। वैसे ही अपस्ट्रीम के लिए भी अगर हमें निकालना है तो अपस्ट्रीम के लिए निकाल लेते हैं, स्पीड फॉर अपस्ट्रीम दैट इज y, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हमें, 18 किलोमीटर, एंड टाइम कितना है, 3 आवर्स, 3 आवर्स ही दिए दोनों के लिए,
तो 3 1 3 6 तो y कितना आ जाएगा मेरे पास 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू y, करेक्ट है। दोनों मिल गया हमें, अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड दोनों मिल गई हमें। अब क्या पूछे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ करंट। वेलोसिटी मतलब भी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब भी स्पीड होता है, और करंट की स्पीड पूछा है मतलब क्या पूछा है, एससी पूछा हुआ है हमें, है ना, एससी पूछा हुआ है। अब एससी पूछा है तो एससी हमें एक्स पता है, वाई पता है और एससी निकालना है, तो तीन वेरिएबल वाले तो सब है, तो एक्स है, वाई है और एससी निकालना है, तो हमारा इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एससी इक्वल्स टू 1/2 एक्स माइनस वाई वाले फॉर्मूले से। 1/2 एक्स कितना है हमारे पास 10 और वाई कितना हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 × 4 आ जाएगा, 2 1s and 2 2s, तो हमें SC की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन ले ले। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम दे दिया हमें कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड डाउनस्ट्रीम एट, डाउनस्ट्रीम भी दे दिया हमें कितना 16 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मेंस रेट इन स्टिल वर्ड। मेंस रेट मतलब, रेट मतलब क्या हो गया, नथिंग। आप ऐसे वर्ड्स अगर आ जाएं तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पूछ रहा है, ओके। तो मेंस रेट इन स्टिल वाटर, हमने स्टिल वाटर के लिए क्या कंसिडर किया, एस बी एंड रेट ऑफ द करंट, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ अ करंट, दैट मीन्स स्पीड ऑफ अ वाटर, ओके। तो अब हमें दोनों फाइंड आउट करना है, मिला क्या हमें एक्स और वाई मिला है, तो ये दोनों फॉर्मूले सूट करेंगे हमारे लिए, है ना। तो एस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स कितना है, प्लस करना है इन दोनों को, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 26, कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो एस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, मतलब हमारे पास रेट, मेंस रेट इन अ स्टिल वाटर कितना मिल गया, 13 किलोमीटर पर आवर। अब एस सी निकालना है तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई या माइनस, ऐसे आप कर सकते हैं कि आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे जो वैल्यू बड़ा होगा आप उसे लिख लें आगे, ओके, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए उन दोनों का और कुछ नहीं, है ना। तो ये कितना मिल जाएगा, 16 - 10 = 6, सो इट बिकम 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो हमें एस बी और एस सी निकालना था, हमने निकाल लिया। एस बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एस बी आया 13 किलोमीटर पर आवर और एस बी कितना आया हमारे पास, 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, इजी गाइस। अब आपको ये तो पता चल गया कि हम इस फॉर्मूले से वैल्यूज कैसे निकालेंगे, राइट। तो हमने अभी तक ये दोनों फॉर्मूले को यूज करके देख लिया है, ये वाला भी देख लिया है। एक और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि आपको एस बी दिया हुआ है, बोट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ अ बोट दिया हुआ है आपको 2 किलोमीटर पर आवर, एंड बोट ऑफ अ स्ट्रीम इज गिवन इज 1 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछा जाए कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा तो स्पीड कितना होगा, तो हमें पता है डाउन स्ट्रीम हम क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, तो हमें मतलब एक्स फाइंड आउट करना होगा। तो इजिली फाइंड आउट कर लेंगे गाइज इस फॉर्मूले से, राइट। क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एस बी प्लस एस सी, तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो डाउनस्ट्रीम में कितना हो जाएगा उसका, 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है गाइस। इसी टाइप से ये क्वेश्चंस यूज होंगे, ये फॉर्मूलेज यूज होंगे, ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इन द सेम मैनर अगर आपसे अपस्ट्रीम पूछा रहता, y की वैल्यू पूछी होती, तो आप क्या करते हैं, y इक्वल्स टू क्या होता है, sb माइनस sc होता है ना। sb कितना दिया है, 2 और sc कितना दिया है, 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बोट चल रही होती, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होती। हमने पढ़ा है ये बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट, राइट। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको ये इजी जाएगा कि फॉर्मूलेस कैसे पुट करने हैं, कहाँ पे पुट करने हैं। गाइस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको बहुत तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, स्टिल वाटर में मैन रो कर रहा है, दैट मीन्स एस बी गिवन है हमें 6 किलोमीटर पर आवर, एस बी गिवन है। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज रो अप एज टू रो डाउन, जितना उसे डाउन में जाने के लिए टाइम लगता है उसका 2 गुना उससे किस में जाने के लिए टाइम लगता है, अप में। तो डाउन स्ट्रीम में जाने में उसे जितना टाइम लगता है उसका 2 गुना टाइम उसको किस में लगता है, अप स्ट्रीम में लगता है, ओके। तो डाउन स्ट्रीम हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं हमेशा हम डाउन स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम इज एक्स, तो 2 गुना अप स्ट्रीम क्या लेते हैं हम, y लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक इक्वेशन बन गया, x equals to 2y बन गया, क्लियर। तो अब हमें यहाँ से ये कंडीशन पता चल गया, फाइंड द रेट ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ अ वाटर। अब क्या पूछ रहा है आपको,
एससी निकालने के लिए बोल रहा है, हमें ये रिलेशन पता है अभी, ओके तो अब एससी निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, स्टिल वाटर हमें पता है तो स्टिल वाटर का फॉर्मूला ले लेते हैं, ओके स्टिल वाटर पता है ना हमें, एस बी इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है। अब हमें एक्स तो पता नहीं है ना ही वाई पता है, लेकिन एक्स के जगह पे मैं टू वाई रख सकती हूँ, तो 2y रख दिया प्लस y रख दिया। sb कितना पता है हमें, xb पता है 6, तो ये 2 इधर जाके कितना हो जाएगा 12 equals to 2y plus y कितना हो जाएगा 3y, लिख लूं इसे 3y, तो y मेरे को कितना मिल जाएगा 12 upon 3 that become 4, तो y equals to मेरे को मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। अब मेरे को यहाँ पे y मिल गया, तो y को मैं इस पे पुट करके x ला सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए क्या, एस सी चाहिए, तो मैं सिंपली y से भी एस सी ला सकती हूँ, है ना। कौन से फॉर्मूले से, हम इस फॉर्मूले से ला सकते हैं, y की वैल्यू है हमारे पास, एस बी की वैल्यू है हमारे पास, एस सी हमें निकालना है, एस सी फाइंड आउट करना है, राइट, जो फाइंड आउट करना है डायरेक्टली उसी पे हिट करेंगे, तो 4 इक्वल्स टू एस बी कितना हमारे पास 6 माइनस एस सी कितना हमारे पास निकालना है, ओके तो एस सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट बिकम्स हाउ मच 2 किलोमीटर पर आवर। This is the answer for SC, speed of a stream, speed of a current, anything you can say. अगर आप इस formula से नहीं जाते और आपको x पूछा होता, downstream की value, upstream की value पूछा होता, तो आप directly ये upstream की value तो कितनी आ गई, upstream का speed कितना आया 4 किलोमीटर पर आवर, downstream का पूछा होता तो x equals to 2y था, 2 into 4, that means x equals to कितना आ जाता, 8 किलोमीटर पर आवर आ जाता, okay? ये होता अप डाउनस्ट्रीम के लिए आंसर, ये होता अपस्ट्रीम के लिए आंसर, ये है स्पीड ऑफ अ करंट एंड ये दिस इज स्पीड ऑफ अ बोट, ओके तो ये तो हमारे हमें मिल गया। अगर हम ये x से जाते तो क्या होता, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर आ गई है हमारे पास, ओके तो 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो हमें पता है एस सी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस सी स्पीड ऑफ अ करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ x माइनस y होता है, तो हाफ ऑफ x कितना है 8 माइनस वाई कितना है 4, तो कितना आ जाता है ये हाफ ऑफ 8 माइनस 4 इज 4, 2 वन्स आर एंड 2 टूज आर दैट बिकम्स 2 किलोमीटर पर आवर, सेम आंसर आया है यही एस सी। अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती, तो मैं क्या करती, डाउन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अपस्ट्रीम का स्पीड है ना, तो एक्स इक्वल्स टू 2y था, तो मैं इसे क्या लिख लेती, एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 और नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 2 अपॉन 1 लिख लेती, कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होता है ना। तो x को अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, s को हम लिख सकते हैं sb plus sc और y को क्या लिख सकते हैं sb minus sc equals to कितना होता है 2 by 1 हो जाता, ओके तो अब यहाँ पे क्या करें हम sb plus sc जल्दी से हम इसे मल्टीप्लाई कर ले 1 से और इसे 2 से, तो 2sb minus 2sc हो जाता। अब उसके बाद आगे क्या करते, आगे हम ये करते की सॉल्व कर लेते हैं, sb वाले टर्म को एक तरफ, sc वाले टर्म को एक तरफ, sc वाला इधर ले जाओ, ये sb को इधर ले आया, तो कितना हो जाएगा 2sb minus sb equals to sc plus 2sc हो जाता, कितना हो जाता ये 3s of c और ये कितना बन जाता sb, sb हमें गिवन है कितना 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ कितना है थ्राइस ऑफ sc, तो कितना मिल जाता मुझे SC equals to क्या मिल जाता 6 upon 3, 3 ones are, 3 twos are, that become 2 kilometer per hour. Okay, तो SC की value कितनी आ जाती 2 kilometer per hour, that's our answer. Direct वाले से हमने इसे गए, okay, ratio basis पे गए हैं. आपको ये समझ में आएगा, like हमें जब ये मिल गया है, तो हम X और Y को एक के नीचे पे ले आए हैं. Guys, आप जब practice करेंगे ना, तो ये सारी चीजें आपको अपने आप आती जाएगी कि आपको कौन से question पे कैसे अप्लाई करना। चलिए इसे देखते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अ बोट ट्रैवल्स अपस्ट्रीम फ्रॉम क्यू टू पी एंड डाउनस्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू इन 3 आवर्स, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 4 किलोमीटर। चलिए पहले पी एंड क्यू बना लेते हैं, हम यहाँ पे पी लिख दिया, यहाँ पे क्यू लिख दिया, डिस्टेंस कितना दे दिया इसने 4 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है कि उस बोट को पी से क्यू कौन सा डायरेक्शन है, डाउनस्ट्रीम, और Q से P कितना है अपस्ट्रीम, ये दोनों ट्रैवल करने में उसे कितने आवर्स लग रहे हैं टाइम, 3 आवर्स, करेक्ट है, ये जाके ऐसे वापस आने में, यू कैन से दैट, ओके। द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम मतलब एस सी गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है हमें कितना 3 आवर, डिस्टेंस गिवन है हमें 4 किलोमीटर, ओके
देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बोट, फाइंड आउट क्या करना है हमें, स्पीड ऑफ अ बोट इन अ स्टिल वाटर फाइंड आउट करना है. ओके तो हमें टाइम किसका दिया है, पहले तो हमें ये देखना है कि हमें टाइम काय का दिया हुआ है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों जाके वापस आने का है ना. तो हम इसे लिख सकते हैं कि डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम, जितना भी उसे लग रहा है वो कितना है जो गिवन टाइम हमें है, जो कि क्या है 3 आवर्स, लिख सकते हैं. अब ये टाइम में है तो हमें डाउनस्ट्रीम को और अपस्ट्रीम को भी टाइम में लिखना पड़ेगा. तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है. तो अब मुझे टाइम के टर्म पे लिखना है तो टाइम इक्वल्स टू मैं क्या लिखूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दूं, लिख सकती हूँ राइट. तो चलो देखते हैं अब हम डाउनस्ट्रीम के लिए क्या यूज करते हैं. डाउनस्ट्रीम के लिए हम तो x यूज करते हैं, अपस्ट्रीम के लिए हम तो y यूज करते हैं. तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं. डाउनस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना है, वो कितना किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम, 4 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रहेगी उसकी, x रहेगी, क्लियर है. अपस्ट्रीम के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी रहेगी, y इक्वल्स टू t कितना दिया है हमारे पास, 3 आवर्स. ओके ये गिवन है हमें, हमें इक्वेशन मिल गया है एक, है ना. वो इक्वेशन सॉल्व कैसे होगा, अगर ऐसा ही सेम इक्वेशन और होता हमारे पास तो हम सॉल्व कर लेते. तो हम क्या करें, x को हम क्या लिख सकते हैं, sb plus sc, और y को हम क्या लिख सकते हैं, sb minus sc लिख सकते हैं. तो क्या लिखे, 4 अपॉन sb plus sc plus 4 अपॉन sb minus sc. गाइज मैं ये पूरा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ट्रायल एंड एरर भी इससे कर सकें और आप वो भी कर सकें, क्या लाइक आप इसमें पुट कर सके वैल्यूज को. ओके तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमें एस सी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, है ना. एस सी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे, एस सी की वैल्यू गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ मैं 4 अपॉन SC+1 लिख सकती हूँ, और यहाँ मैं 4 अपॉन SB-1 = 3, करेक्ट है इतना. चलो अब इतना जब करेक्ट है हमारे पास तो हम क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व अगर हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेंगे, है ना. तो फिर कुछ ऐसा आएगा, 4 SB-1 + 4 SB+1 = 3, ऐसा कुछ मिलेगा. चलिए ये ऐसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर भी ले आएंगे. ओके तो ये कितना आ जाएगा, 4 SB - 4 + 4 SB + 4 = 3 SB²-1, करेक्ट है. a प्लस बी, ए माइनस बी ऐसे ही आता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा. तो ये कितना जाएगा, 8 SB = 3 SB²-3, कितना हो गया हमारे पास, 3 SB²-8 SB - 3 = 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे पास. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कोई दो वैल्यूज मिलेगी, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हम कैसे करते हैं, 3 3 = 9 आना चाहिए हमारे पास, राइट. 9 आना चाहिए और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आना चाहिए. तो मैं इसे अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, this minus 9 SB + SB - 3 = 0. ओके यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 3 SB common, तो SB-3, यहाँ से +1 common, तो SB-3 = 0. यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 SB + 1, SB-3 = 0, इससे मिलेगा हमें -1/3, और इससे क्या मिलेगा यहाँ पे 3. ऑप्शन में क्या है, माइनस वाला स्पीड का भी कैलकुलेशन होता ही नहीं है, ये किसकी वैल्यूज मिल रही है, एसबी की. तो हम इसे क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला आंसर किसे लेंगे, 3 लेंगे. ऑप्शन में है क्या, हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है राइट. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर. बट हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम होता है क्या कि पहले इसे सॉल्व करो, फिर उसके बाद फिर ऐसे लिखो, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वैल्यू सॉल्व करो, इट्स टू टाइम कंज्यूमिंग राइट. तो हम यहाँ से कुछ चेंजेस करते हैं, हम यहाँ पे जब पहुंच गए हैं, मैंने अभी फुल मेथड इसलिए बताया, कम्प्लीटली बेसिक मेथड इसलिए बताया कि अगर आप कहीं स्टक हो जाएं या भूल जाएं कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, या आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप ये नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं और आपका आंसर करेक्ट आएगा. लेकिन अगर आपको याद रहे तो आप यहाँ पे आने के बाद आप एक और क्या कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर ट्राई कर सकते हैं. आपको इधर के वैल्यू क्या चाहिए, 3 चाहिए, है ना. तो आप SB की वैल्यू इन ऑप्शंस में से क्या पुट करें ऐसा कि आपको वैल्यू 3 मिल जाए. अगर मैं 2.5 पुट करके देखूं, सपोज मैं 2.5 पुट कर रही हूं, तो 2.5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, प्लस दिस अपॉन, अब 2.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा. तो कुछ ऐसा इसको सॉल्व करके हमें इस तरफ की वैल्यू मिल रही है कि RHS = 3 नहीं मिल रही है राइट. तो हमें कुछ ऐसा SB का वैल्यू लेना पड़ेगा कि हमें आंसर इक्वल्स टू
3 मिल जाए. ओके तो हम अगर मैं कंसिडर कर लू एस बी इक्वल टू 3 तो हमें मिल रहा है क्या 4 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 1. ओके तो कितना हो रहा है 4 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 2. 4 वन्स आ 4 वन्स आ 2 वन्स आ एंड 2 टूज आ तो कितना हो रहा है 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. LHS equals to RHS हो रहा है तो हमारा आंसर हमने SB को क्या पुट किया था SB को हमने पुट किया था 3 तो आंसर हमारा क्या हो गया 3 करेक्ट है. ये ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ हमारा आंसर कितना आया 3 आया. हमने 2.5 पुट करके देखा हमें आंसर नहीं मिल रहा था हमें आंसर कितना मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर मिल गया. ओके तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड हुआ. अब हम देखते हैं इसका ट्रिक जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे होंगे अभी तक है ना. तो चलिए ट्रिक देखते हैं. एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है जो कि क्या है डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू एसबी स्क्वायर माइनस एससी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एसबी. आपके सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले इससे बन जाएंगे. आपको अगर डिस्टेंस पता है हमें पता है 4 किलोमीटर टाइम पता है 3 किलोमीटर ओके एसबी निकालना है और एससी हमें क्या है एससी हमें पता है तो डायरेक्टली हमारा इस फॉर्मूले में पुट करके क्या जाएगा पता है हमारा इक्वेशन आ जाएगा और इक्वेशन को फिर हम तो सॉल्व कर ही सकते हैं. इसमें इक्वेशन मिलेगा देख लेते हैं इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. ओके तो डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है 4 इक्वल्स टू टाइम कितना दिया है 3 एस बी हमें पता नहीं तो एस बी स्क्वायर एस सी हमें पता है एस सी कितना है 1 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 एस बी हमें पता नहीं है ये एस बी निकालना है इसलिए हमें ये इक्वेशन मिलेगा. ओके अगर हमें वैल्यूज पता होती ना एस बी एस सी की और डिस्टेंस निकालना होता टाइम निकालना होता तो दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला. ओके इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम करेंगे वैसा. तो ये कितना हो जाएगा 8 एस बी इक्वल टू 3 एस बी स्क्वायर माइनस 3 सेम इक्वेशन मिल गया हमें माइनस 8 एस बी माइनस 3 इक्वल टू 0 3 3 इज 9 तो फिर हम फिर से इसे स्प्लिट कर दें अगर मिडिल टर्म तो 9 एस बी प्लस एस बी माइनस 3 इक्वल टू 0 डायरेक्टली हमें इक्वेशन वाला टर्म आ गया है ना. तो इक्वेशन वाला टर्म आके हम इसे क्या कर सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. तो एक की वैल्यू हमें कितनी मिली थी माइनस 1 अपॉन 3 एक की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 3 तो हम इसे स्प्लिट करके आंसर कितना ले आए 3 तो इससे आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर दिस इज योर आंसर. एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिस्टेंस या टाइम के बारे में पूछा होगा. ओके चलिए तो अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन है. A man can row 7 किलोमीटर इन अ स्टिल वाटर मतलब हमें क्या दिया है स्टिल वाटर का स्पीड दिया है बोट का 7 किलोमीटर पर आवर दैट मीन्स क्या दिया है SB इन अ स्ट्रीम विच फ्लोइंग एट अ 3 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की भी हमें स्पीड दे दिया है कितना है 3 किलोमीटर पर आवर. ओके इट टेक्स 7 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक. ओके वो कितना टाइम लगा रहा है रो जाता है और फिर वापस आने में उसे कितना टाइम लग रहा है 7 आवर्स मतलब हमें टाइम गिवन है कितना 7 आवर्स. ओके हाउ फार द प्लेसेस अब क्या पूछा है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला है तो हम वैसे ही फॉर्मूले से लगा सकते थे कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाता है स्पीड इनटू टाइम उसके बेसिस पे हम कर सकते थे है ना. लेकिन अब हमारे पास क्या है एक शॉर्टकट मेथड है हमारे पास ये फॉर्मूला है हम पुट कर देते हैं डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इन इक्वल्स टू 7 और SB कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस SC कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू SB कितना हमारे पास 7 करेक्ट तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 7 जा 49 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2 7 जा 14 करेक्ट दिस कैन बी कैंसिल 7 1 जा एंड 7 2 जा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 अपॉन 2 इट बिकम्स 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 0 20 किलोमीटर is a distance. Distance कितना आ गया हमारे पास? Answer is 20 kilometer. This is your answer. Very easy guys. ये easy बन गया क्योंकि हमारे पास ये formula आ गया है. Okay? अगर वो square वाले term में पूछ लेता, अगर SB या SC पूछ लेता, तो हमें एक equation मिलता और फिर हमें उसे split करना पड़ता. वो भी काफी हद तक time वो है, time लेता है. लेकिन ठीक है, बाकी सबके comparatively तो easy way यही होगा. Okay? अगर हमें time पूछ लेता, तो हम क्या लिख लेते इसी formula को? अगर हमें टाइम पूछ लेता तो हम इसी फॉर्मूले को लिख लेते लाइक ऐसा लिख सकते थे डिस्टेंस इनटू ट्वाइस ऑफ एसबी अपॉन एसबी स्क्वायर माइनस एससी स्क्वायर इक्वल्स टू टाइम ऐसा लिख लेते. अगर आपको एसबी एससी पता है और आपको ये वैल्यूज भी काफी बड़े लग रहे हैं या आपको स्क्वायर नहीं करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसे क्या कर सकते थे 7 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3 तो 7 माइनस 3 कितना होता 4 और 7 प्लस 3 कितना हो जाता 10
तो आंसर 40 आता है इधर, इधर हमारे पास 40 आया तो डिवाइडेड बाय में तो ये जो रहता वो रहता ही. ओके तो ऐसे टाइप में आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के टाइप में थोड़ा सा, जिसमें अब हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़े. ओके क्वेश्चन है कि आपको डिस्टेंस दिया 6 किलोमीटर, एसबी दिया बोट ऑफ स्पीड ऑफ अ बोट आपको दिया 2 किलोमीटर पर आवर, इसे मैं लिख लूंगी 2 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर दिया स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम. ओके और आपको बोल रहा है कि टाइम फाइंड आउट करो कि उन्हें कितना टाइम लग रहा है. तो हम इसी फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, डिस्टेंस कितना दिया है 6, टाइम हमें निकालना है, एसबी कितना दिया 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 इनटू एसबी कितना हमारे पास 2. करेक्ट क्लियर है. अब अगर टाइम निकालना है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6 इक्वल्स टू 2 इनटू 3 अपॉन 4. करेक्ट है इतना. अब क्या करें, 6 इनटू 4 अपॉन 3 इज बिकम टी हो जाएगा, 3 1s are 3 2s are and 2 4s are 8, 8 equals to t आ गया. t क्या है हमारे पास, टाइम, और निकालना ही था हमें टाइम, तो t equals to how much, 8 hours. ये कब होता है गाइस, जब हमें बोला जाता है कि एक डिस्टेंस को जाके वापस आने में हमें टाइम निकालना है कि कितना लग रहा है, जबकि उसने बता दिया हमें कि स्पीड ऑफ अ बोट कितना है और स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम कितना है और ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 6 किलोमीटर. ओके एक और फॉर्मूला है हमारे पास जो कि ये है. ओके क्या है, एसबी अपॉन एससी, मतलब बोट का स्पीड और करंट का स्पीड और उनके टाइम में जो भी डिफरेंस दिया रहेगा वो सारी चीजें. ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, इसी फॉर्मूले के ऊपर है. फैटी कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स. डाउन स्ट्रीम हमने ले लिया T1 ले लिया. ओके T1 ले लिया हमने किसके लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए. कितने आवर्स में बोल रहा है ये, 6 आवर्स में फैटी जो है वो डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में कवर करता है. ओके रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर्स. अब अगर वो डाउन स्ट्रीम में गया है तो वापस आते समय उसे अपस्ट्रीम मिलेगा, राइट right? तो T2 हम ले लेते हैं अपस्ट्रीम के लिए. कितने आवर्स ले लिया उसने, 9 आवर्स ले लिया. ओके इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर किसका स्पीड दिया हुआ है, स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट, स्ट्रीम का रेट है दैट मींस स्ट्रीम का स्पीड है, दैट मींस एससी दिया हुआ है आपको कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, राइट. अब क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ फैटी इन स्टिल वाटर. अब फैटी के स्पीड को फाइंड आउट करना है जो कि स्टिल वाटर में, दैट मींस एसबी फाइंड आउट करते हैं ऐसे टाइम पे, स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ फैटी, स्पीड ऑफ एनी वन. ओके तो एसबी फाइंड आउट करना है. तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले पे पुट करूं तो हमें क्या मिलेगा, एसबी अपॉन एससी इक्वल्स टू T2 minus T1 by T2 plus T1. SB कितना है हमें find out करना है, SC कितना है 3, T2 कितना है हमारे पास 9 plus 6 and 9 minus 6. Okay, what it become? ये क्या हो जाएगा, SB equals to 9 plus 6 is 15 into 3 upon 9 minus 6 is 3. 3 get cancelled, तो SB हमें कितना मिल जाएगा, SB मिल जाएगा 15 kilometer per hour. मिल गया गाइज, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चंस इजीली बनते जाते हैं. ओके तो ये फॉर्मूले पे एक ही क्वेश्चन ठीक है, बिकॉज अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एसबी दे दिया और एससी फाइंड आउट करने के लिए बोला तो इन द सेम मैनर आप इसको चेंज करके कर सकते हैं, लाइक इससे फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा. देखते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम दैट मींस एससी हमें गिवन है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर. A motorboat goes 10 km upstream and back again to the starting point. एक motorboat यहाँ से start हुआ, वो upstream में गया, okay? और फिर वापस ही कहाँ पे आ गया? Sorry, वापस आ गया वहीं पे. कितना किलोमीटर कवर करके? 10 किलोमीटर कवर किया. और क्या बोल रहा है? Okay, back again and starting point in 50 minutes. Time कितना लिया उसने? 50 minutes ले लिया, okay? तो time मिल गया हमें कितना? 50 minutes. डिस्टेंस मिल गया हमें कितना, 10 किलोमीटर. ओके फाइंड द स्पीड ऑफ अ मोटरबोट इन अ स्टिल वाटर, एस बी हमें फाइंड आउट करना है. अब टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, एस सी भी है, एस बी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला सूट करेगा हमें, राइट right? तो ये फॉर्मूला जब हमें सूट करेगा तो डायरेक्टली हम इसी फॉर्मूले पे पुट कर दें, डायरेक्टली पुट कर देते हैं. तो पुट कर दें अगर हम तो कितना मिल जाएगा, डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, ओके एंड टाइम इज 50 मिनट्स. हम इसे हम हर चीज जब किलोमीटर आवर में है तो 50 मिनट्स को भी हम क्या करें, आवर में चेंज कर लें, डिवाइड बाय 60 मिनट्स. ओके तभी वो क्या होगा, मिनट कैंसिल होकर आवर्स में आएगा, 0-0 कैंसिल, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 50 बाय 60 आवर, या फिर 5 बाय 6 आवर्स हम इसे लिख सकते हैं.
तो मैं इसे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस की जगह पे मैं लिख लेती हूँ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस की जगह पे 10, आवर्स की जगह पे मैंने लिख लिया, टाइम की जगह पे 5/6 आवर्स। एसबी हमें फाइंड आउट करना है, एसबी स्क्वायर, एससी स्क्वायर हमें पता है क्या है, 5 का स्क्वायर होगा अपॉन ट्वाइस ऑफ एसबी होगा, करेक्ट है? चलो तो ट्वाइस ऑफ एसबी, तो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 ये वाला पोर्शन इधर अगर हम भेज दें तो कितना हो जाएगा, 20 एसबी इक्वल्स टू 5/6 एसबी स्क्वायर माइनस 25। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, राइट? अब मैं 2, 6 को भी इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा, 120 एसबी इक्वल्स टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 5 एसबी स्क्वायर माइनस 125। आई गेस कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे भी। अब मैं इसे रीअरेंज कर लूं, 5 एसबी स्क्वायर माइनस 120 एसबी माइनस 125 इक्वल्स टू 0। अब 5 है सब में तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 माइनस कितना हो जाएगा ये, 5 2 10 and 5 2 10 and 5 4 this is SB minus 25 equals to 0। अब क्या करें, स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को, 25 और 1 में हम कर ले तो माइनस 24 मिल जाएगा हमें, है ना? तो चलो कर लेते हैं, SB स्क्वायर माइनस 25 SB प्लस SB माइनस 25 equals to 0। तो कितना मिल गया, SB कॉमन ले लिया, यहाँ से SB माइनस 25 हो जाएगा, प्लस 1 ले लिया तो यहाँ से SB माइनस 25 हो जाएगा equals to 0। तो हमें क्या क्या मिल गया, SB प्लस 1 एंड SB माइनस 25, है ना, इक्वल्स टू 0। तो SB की वैल्यू क्या क्या मिल गई हमें, एक मिल गया माइनस 1 और एक क्या मिल गया, प्लस 25। माइनस 1 कभी भी स्पीड हो ही नहीं सकता, नेगेटिव में स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए ये वाले टर्म को। बचा क्या हमारे पास SB के लिए, 25। तो SB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइज, इससे पहले मैंने इसी पैटर्न में ट्रायल एंड एरर भी आपको बताया था, तो आप ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं। लाइक आपको टाइम दिया हुआ है तो टाइम के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमें कितना दिया है, 10, और एक का स्पीड कितना हो जाएगा, एसबी प्लस एससी, और अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, 10 अपॉन एसबी माइनस एससी इक्वल्स टू जितना भी हमें टाइम दिया हुआ है, दिस मच आवर्स। इसके बेसिस पे फिर ट्रायल एंड एरर, एससी की वैल्यू हमें पता ही है, एससी की वैल्यू हमें पास कितना है, 5, तो 10 अपॉन एसबी प्लस 5 प्लस 10 अपॉन एसबी माइनस 5 इक्वल्स टू 5/6। ऐसे करके फिर आप इसमें ट्रायल एंड एरर कर लीजिए, यहाँ पे हमारा आंसर 25 आया, यहाँ पे 25 पुट करके देखिए तो कितना आएगा, 10 अपॉन 25 प्लस 5 इज 30 प्लस 10 अपॉन 25 माइनस 5 इज 20 इक्वल्स टू 5/6। फिर अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर लीजिए, मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे डायरेक्टली। कितना हो जाएगा ये, 60 हो जाएगा। ओके चलो 60 हो गया, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, दैट बिकम्स 5/6, और ये 50/60 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 5/6। तो हैंस दिस एसबी इक्वल टू 25 verifies, तो 25 is your answer। आप ये ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं, मैंने तो डायरेक्टली 25 रख के आपको बता दिया। ट्रायल एंड एरर में आप पहले 20 रखेंगे तो आपको अगर 5/6 नहीं मिलेगा इक्वल्स टू, तो 20 इज रॉन्ग, 25 रखेंगे तो 25 इज करेक्ट मिल जाएगा, तो वो आप आंसर टिक कर सकते हैं। ओके गाइज, इसका एक और टफर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दो इक्वेशंस बनेंगे, अभी नेक्स्ट हम वही लेने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं जनरल मेथड से सॉल्व करूंगी, उसके बाद इसको बताऊंगी कि इसे हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम के लिए हमें पता है 30 किलोमीटर गया है, हमें सिर्फ डिस्टेंस पता है। ओके डाउनस्ट्रीम के लिए हमें पता है कितना किलोमीटर गया, 44 किलोमीटर गया इन 10 आवर्स। टाइम कितना दे दिया हमें इसके लिए, 10 आवर्स में। ओके सेम डिस्टेंस। ओके आल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगेन अपस्ट्रीम दिया है कितना, 40 किलोमीटर, एंड अगेन डाउनस्ट्रीम दिया है हाउ मच, 55 किलोमीटर, और उसके लिए टाइम कितना दे रहा है हमें, 13 आवर्स दे रहा है। फाइंड द रेट ऑफ अ करंट एंड द स्पीड ऑफ अ मैन इन अ स्टिल वाटर। रेट ऑफ अ करंट भी फाइंड आउट करना है और बोट ऑफ अ स्ट्रीम भी फाइंड आउट करना है, मतलब भाई स्टिल वाटर पे मेन का स्पीड। ओके हम SBSC ले रहे हैं इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंगली बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली देखूं तो टाइम गिवन है हमें, तो टाइम के अकॉर्डिंगली हमें लिखना पड़ेगा, राइट? तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो अगर मैं ये फर्स्ट कंडीशन देखूं, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, और ये सेकेंड कंडीशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 30 किलोमीटर है, कौन से स्पीड से,
कौन सी स्पीड से? अपस्ट्रीम से. अपस्ट्रीम हम क्या लेते हैं हमेशा? अपस्ट्रीम हम लेते हैं y लेते हैं. ओके फिर व्हाट इज नेक्स्ट? 44 किलोमीटर. कौन सी स्पीड से? डाउनस्ट्रीम से. और कितना आवर्स लिया उसने? 10 आवर्स ले लिया. ओके टाइम हो गया. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. ये कंडीशन 1 2 डाला है मैंने, इसलिए इक्वेशन 3 ले लेती हूँ. इन द सेम मैनर जब मैं ये सेकंड कंडीशन देखूं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अपस्ट्रीम हम क्या लेते हैं? y, तो 40 अपॉन y प्लस डाउनस्ट्रीम हम क्या लेते हैं? x, तो 55 अपॉन x. कितने आवर्स? 13 आवर्स. तो इसे मैं क्या कंसिडर कर लूं? इक्वेशन नंबर 4. अब जब हम क्लास 10th में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़े हैं, तो मैं अगर और सब्स्टिट्यूशन मेथड रिड्यूसिबल सब्स्टिट्यूशन भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो ये देखो, अगर मैं 1 अपॉन y को a ले लूं और 1 अपॉन x को b ले लूं, है ना, तो क्या लिख सकती हूं मैं? इक्वेशन 3 को मैं लिख सकती हूं 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10. करेक्ट. वैसे इक्वेशन 4 को मैं क्या लिख सकती हूं? 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13. अब एलिमिनेशन जब हम करते हैं तो एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे सॉल्व कर लेते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं. तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आंसर ले आते हैं. अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो क्या करूं? इसको मल्टीप्लाई बाय कर देती हूं मैं 4, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देती हूं 3. उससे क्या होगा? ए वाला टर्म हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. तो 3 4 का कितना हो गया? 120a. ये भी कितना हो जाएगा? 120a. ये कितना हो जाएगा? 4 4 16, 1 कैरी ओवर 16, 176b. और ये कितना हो जाएगा? 3 5 15, 15 and 116, this is become this. Okay, equals to 10 into 40 is this and 13 into 3 is 39. ये आ गया हमारे पास. अब हम इसे जब solve करते हैं elimination के through, तो ये cancel हो गया. ये अगर किया तो कितना बच जाएगा? 1 और इधर से भी 1, 11b. और ये 40 minus 39 is 1. तो b मुझे क्या मिल गया? 1 upon 11. जब b मुझे 1 upon 11 मिल गया, तो मैं इनमें से किसी एक equation में put कर सकती हूँ, है ना? तो चलो put कर देते हैं. फर्स्ट में ये वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ओके तो कितना ये 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10, है ना, तो b इक्वल्स टू 11 पुट करते हैं. 30a प्लस 44 अपॉन 11 इक्वल्स टू 10. 11 वन जा 11 फोर जा 30a इक्वल्स टू 10 माइनस 4 दैट बिकम्स व्हाट? 6. तो कितना हो जाएगा? 30a इक्वल्स टू, इट्स 30a इक्वल्स टू 6. A equals to 6 upon 30, that becomes 6 ones and 6 fives are. तो A की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 1 upon 5. B की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? अब मैंने A और B किसे कंसिडर किया था? X और Y को. A कंसिडर किया था मैंने 1 upon Y को और B कंसिडर किया था मैंने 1 upon X को. तो A क्या है हमारे पास? वैल्यू कितनी मिल गया? 1 by 5. तो Y कितना मिल जाएगा? 5. और B हमको आंसर कितना मिल गया है? 1 by 11. तो X की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 11. x और y की वैल्यू यहाँ से तो हमें मिल गई. और हमें y क्या निकालना था? x और y जब हमें मिल गया है तो हमें SB और SC निकालना था. x हमारा क्या है? डाउनस्ट्रीम, दैट मच किलोमीटर पर आवर. और y हमारे पास क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, है ना. तो ये इतना लंबा चौड़ा करना पड़ा हमें x और y निकालने के लिए. अभी भी हमारा जो क्वेश्चन पूछा है SB और SC वो बचा हुआ है. SB क्या होता है? SB हमारा क्या होता है? SB होता है 1 upon 2x plus y. और SC क्या होता है? 1 upon 2x minus y. Okay? तो कर लो इसे 1 upon 2x कितना? 11 minus 5. That means 1 upon 2 into 6. That becomes 3. तो SC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3 km per hour. In the same manner, SB की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 1 upon 2x plus y. तो 1 upon 2, 11 plus 5. तो 16 upon 2 that becomes 8. तो SB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर. ओके ये काफी लंबा मेथड हो गया ना गाइस, काफी लंबा हो गया. तो हमें इसे अब शॉर्ट में करना है. तो अब इसके लिए देखेंगे हम शॉर्ट में कैसे करेंगे. ये तो जनरल मेथड हो गया जो हमने क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं. इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, राइट? इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व कर पाए. ये अभी क्वेश्चन देखा काफी ज्यादा टफ वे में देखा, है ना, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वे में देखा. अब हम देखेंगे कि हम इसी को कैसे इजी वे में लिखते हैं. ओके अभी हमने क्लास 10th का एलिमिनेशन मेथड देख लिया और फिर उसके बाद रिड्यूसिबल मेथड देख लिया. एक और मेथड देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके तो पहले मैं यहाँ पे अप लिखूंगी, अपस्ट्रीम के लिए, यहाँ डाउनस्ट्रीम के लिए डाउन, और यहाँ पे टाइम के लिए टाइम, क्योंकि यही तीन चीजें दी हुई है हमें और दो इक्वेशन बना के. तो अप के जगह पे हम अप वाला लिख लेते हैं 30 फर्स्ट कंडीशन के लिए. और क्या दिया हुआ है ये? 44
डाउन में दिया हुआ है और टाइम कितना दिया हुआ है 10 आवर्स. वैसे ही सेकेंड कंडीशन के लिए 40 अपस्ट्रीम में और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और आवर्स कितने हैं 13 आवर्स हैं. ओके तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या हम यहाँ पे पहले अप लिखे हुए हैं इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे अप के लिए निकालेंगे. अपस्ट्रीम को हम वाई से डिनोट करते हैं. अब वाई से डिनोट करते हैं वो तो ठीक है लेकिन लिखेंगे क्या, हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे 30 इंटू 55 माइनस करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 40 इंटू 44. ये अपस्ट्रीम के लिए लिख रहे हैं गाइस हम. ओके अब उसके बाद हम लाएंगे टाइम वाला टर्म. ओके टाइम को हम किससे करेंगे 55 इंटू 10 माइनस 44 इंटू 13. ऐसा करने से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी. और वैसे ही x डाउनस्ट्रीम अगर मैं लिखना चाहूं तो डाउनस्ट्रीम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 30 इंटू 55 सेम, ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा माइनस 40 इंटू 44. ओके ये ऊपर वाला टर्म सेम रहेगा लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज होंगे. डिनोमिनेटर में क्या चेंज होगा, ये वाले टर्म को यहाँ पे अगर मैं फिर से लिख लूं इसे लाइक मैंने ब्लैक यूज किया था ना 30 और 40 है ना, फिर से अगर मैं ये अपस्ट्रीम का यहाँ पे लिख लूं तो 30 और 40 अगर मैं लिख लूं तो हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि इधर क्या लिखना पड़ेगा हमें 10 इंटू 40 इंटू 30 इंटू 13, जो भी बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे आप. ओके क्योंकि माइनस साइन हमें चाहिए ही नहीं. ओके दिस इज द फॉर्मूला, या तो आप इसे यहाँ पे लिखिए या तो फिर आप यहाँ से ही कंसिडर करिए कि 30 इंटू 13 एंड 40 इंटू 10. ओके ऐसे लिखेंगे आप ये कि हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर मैं सॉल्व करूं, हमें तो पता ही है कि अब x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, है ना. तो अगर मैं अब y को सॉल्व करूं तो y इक्वल्स टू 30 इंटू 55 कितना होता है, 30 इंटू 55 होता है 1650 माइनस 40 इंटू 44 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 44 हो जाएगा 1760. ओके अपॉन ले लेते हैं अब ये तो हो गया. अब 55 इंटू 10 कितना हो जाएगा 550 माइनस 44 इंटू 13 कितना हो जाएगा 572. ओके तो अब अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना होगा 1760 में से माइनस करना पड़ेगा 1650 को, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 110 क्योंकि माइनस साइन बड़े नंबर की तरफ है. और यहाँ पे भी 572 माइनस 550 अगर मैं करूं तो भी कितना आ जाएगा 22 और माइनस माइनस गेट कैंसिल 11 2s 11 1s 0 2 1s 2 5s. तो y की वैल्यू हमारी पहले भी 5 आई थी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर. ये क्या है y हमारा, अपस्ट्रीम का स्पीड है हमारा. ओके अब वैसे ही अब मैं डाउनस्ट्रीम के लिए निकाल रही हूँ गाइस, डाउनस्ट्रीम के लिए निकाल रही हूँ मतलब क्या लेती हूँ x, x कितना है 30 इंटू 55 करना पड़ेगा मुझे, 30 इंटू 55 कितना हो जाएगा सेम होगा 1650 माइनस 40 इंटू 44 1760 करेक्ट. अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर चेंज है तो उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 इंटू 30 कितना होगा 390 माइनस 40 इंटू 10 इज 400. तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया माइनस 110 और ये कितना हो गया माइनस 10. आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस माइनस गेट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 11/1 दैट मींस ओनली व्हाट 11. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 11 किलोमीटर पर आवर. गाइज इतना ही आया था हमारा फर्स्ट के अकॉर्डिंगली भी. ओके बस ये लिखना मैं आपको इतना सिखाई हूँ इसलिए इसमें टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करती रहती इसमें तो ये तुरंत तुरंत आंसर निकल के आते हमारे. ओके तो चलिए अब फिर हमें निकालना क्या था, एस सी क्या है 1/2 एक्स माइनस वाई, और एस बी निकालना है, एस बी क्या है 1/2 एक्स प्लस वाई. ओके तो चलो जल्दी से पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 11 प्लस 5 दैट बिकम 16/2 दैट बिकम 8. तो SB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर. ओके करेक्ट है इतना. SC अगर वही फाइंड कर रही हूँ मैं तो क्या होगा 11 माइनस 5 दैट बिकम्स व्हाट, हाउ 6/2 2 1 2 3 दैट बिकम 3. तो SC की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर करेक्ट है गाइस.
एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको एकदम फास्टली सॉल्व करते हैं इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू. ओके, बाय द वे ये क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का, क्योंकि ये इसमें बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें दो दो बार अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दिया रहता है, टाइम गिवन रहता है, तो उन्हें पता नहीं चलता है कि कौन सी चीजें इसमें यूज करें. ओके गाइस, इस क्वेश्चन को वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एकदम फास्ट सॉल्व करेंगे हम. ओके, तो क्या पूछ रहा है इसमें, चश्मिश कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. तो यही है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एंड टाइम का खेल यहाँ पे. ओके, तो चलिए अब हम लिख लेते हैं कितना कवर कर रही है, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में 36 किलोमीटर, और कितने आवर्स में, 6 आवर्स में. वाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम इन 6.5 आवर्स. ओके, आवर्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है वो टाइम आवर्स में ही है. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपस्ट्रीम निकालते हैं. अपस्ट्रीम निकालने के लिए पहले मैंने क्या बताया था, किन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और माइनस. तो 24 इंटू 24 माइनस 36 इंटू 36. ओके, अब क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का माइनस है ना, तो 24 इंटू 6 माइनस 36 इंटू 6.5. आई गेस यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ओके, तो फिर डायरेक्टली हम इसको अब फाइंड आउट करते हैं. 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 576 माइनस 36 इंटू 36, 36 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 1296. ओके, अपॉन 24 इंटू 6 इज व्हाट, 24 इंटू 6 इज 144 माइनस 36 इंटू 6.5 इज व्हाट वी गेट, 3234. ओके गाइस, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा. आगे देखते हैं, अब इसे सॉल्व हम अगर कर लें तो कितना आ जाएगा, 1296 माइनस हाउ मच, 576, राइट. 1296 माइनस 576 ये कितना हो जाएगा, ये 07. ओके, 720 हो जाएगा. और इधर कितना माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि माइनस बड़े वाले नंबर के पास में है. वैसे ही फिर 234 माइनस 144 अगर मैं कर रही हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 90. ओके, फिर इन द सेम मैनर 0 to 0 कैंसिल, 9 1s are 9 8s are माइनस 2 माइनस कैंसिल, हाउ मच इट इज, 8 किलोमीटर पर आवर. तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 8 किलोमीटर पर आवर मिल गई. ओके, अब वैसे ही x निकाल लेते हैं. x के लिए क्या करना है, यही दोनों करना है पहले, 24 इंटू 24 माइनस 36 इंटू 36 अपॉन, अब क्या करना है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना, 24 इंटू 6.5 माइनस 36 इंटू 6, यही करना है हमें इसको अब इसके साथ, है ना. तो चलो इसे लिख लेते हैं, 576 माइनस 1296 अपॉन, फिर क्या करना है हमें, 24 इंटू 6.5 इज बिकम 156 माइनस 36 इंटू 6 इज बिकम 216. इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर माइनस 720 वही जो ऊपर आया है, और इसका कितना आ जाएगा, 216 माइनस 156 इज माइनस 60. 0 टू 0 गेट कैंसिल, माइनस टू माइनस गेट कैंसिल, 6 1s are 6 1s are एंड 6 2s are हाउ मच इट इज, 12. तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12 किलोमीटर पर आवर. हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया. फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ अ करंट. वेलोसिटी ऑफ अ करंट मतलब क्या होता है, SC. SC फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर लें, SC के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, SC के लिए होता है हाफ ऑफ x माइनस y. ओके, तो हाफ ऑफ x इज वॉस 12 एंड y इज 8, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 4, दैट बिकम्स 2 1s are 2 2s are, दैट बिकम्स 2. तो SC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 किलोमीटर पर आवर. दिस इज आवर आंसर, जो कि हमें फाइनल आंसर पूछा गया है. ओके गाइज, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम अब मैं एंड कर रही हूँ. मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप के क्वेश्चंस, पैटर्न्स, ट्रिक्स आपको बता दिया है. यहाँ जो ऊपर लिखे हुए ये सारे फॉर्मुलेज हैं जो आप अगर लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो क्वेश्चन है वो काफी इजी हो जाएगा. गाइस, इसके बाद मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन लूंगी. रेशियो एंड प्रपोर्शन आप बताइए मुझे कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के दूंगी. ओके, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू ये काफी ज्यादा इजीली जाएगा. अदरवाइज आप वो नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म करके जैसे कर रहे थे हम, मैंने फर्स्टली इसको करके बताया था ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, वैसे आप करिए. गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम पे मिलते रहें.
ओके गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. देन आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व करिए. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर भेजूंगी. ओके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.